हरिओम विद्यार्थी मित्रों, तो बाघ तरणनी अंदर जो ये पतरंगा पात्रो बाघ तीजो जो ये अगर सांबरी ने हस्तो किल्तो चांदो जंखवायो चाणे पूनमनी अमास थई आ वाक्य मुजब नीचेना मोती खोटा होय ते वाक्य पर लीटी दोरो। तैया खोटा होय पूनमनी अमास थी, पूनम ले जवारो एकदम अंधार थी जाए, कोई खुश मास ने निराश थी जाए तो आ वाक्य मुजबना नीचेना खोटा वाक्य होय। खोटा वाक्य होय चांदा ने वात सांभळीने हसवू आव्यो, हसवू तो ना आवे कारण के ए वात कही ले चंखवाई गयो। पहला चांदो आखो खीलेलो हतो बराबर, ए चांदो चांखो पड़ी गयो, चांदो बोठो पड़ी गयो। चांदो पहला खुश हतो, चांदो हसे त्यारे पूनम थाय ने चांदो न हसे त्यारे अमास थाय, तो आ बधा साचा वाक्यो छे। એના સિવાયના ચાંદો ઝાંખરામાં ફસાયો, ચાંદાને કોઈક વાતનું ખરાબ લાગ્યું, ચાંદાને વાત સાંભળીને હસવું આવ્યું, ચાંદાના ઝંખવાથી તેનું તેજ વધી ગયું, આ બધા ખોટા વાક્યો છે। આગળ જોઈએ આ લીટી દોડેલાને બધા ખોટા વાક્યો છે, તમારે જોઈ લેવાના। ચાલો ગીતરું ગાઈએ લંબકપુરના રાજાની વાહરે વાહ। સાચું હોય તો કુકડે કૂ બોલો અને ખોટું હોય તો છટ છટ ટોળો અને લખો। રસગુલ્લાએ તેના દોસ્ત ચાંદાનું અપમાન કર્યું, કુકડે કૂક પ્રવાસીઓએ ઓળખ માટે આધાર કાર્ડ મતાવ્યા, કુકડે કૂક કુકુટ મહારાજા ચાંદાને ભેદ સમજી બેઠા, કુકડે કૂક બધા સપનામાં કુકુટ કબીલામાં પહોંચી ગયા હતા, કુકડે કુક રસગુલ્લા તો મહારાણીના સેવાયેલા, રસગુલ્લા તો મહારાણીના સેવાયેલા ઈંડા હતા, આરી આવશે છટ છટ, બરાબર છટ છટ આવશે, સેવાયેલા ઈંડા નહોતા છટ છટ। દફતરમાંથી રસગુલ્લાવાળો ડબ્બો નીકળી પડ્યો, તો કુકડે કુક સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ। વર્ગની બધી દિવાલોને ડાબા હાથની પહેલી આંગળી અડાડતો જઈ એક રાઉન્ડ લગાવો, તે પછી ટૂંકમાં જવાબ લખો। કુકુટ કબીલામાં કોણ કોણ રહેતા હતા, કુકુટ કબીલામાં મહારાજા, કબીલાના મહારાણી, કબીલાના સેનાપતિ વગેરે રહેતા હતા પહેલા, પછી આ પણ રહે। ચાંદાએ પ્રવાસમાં રસગુલ્લાને સાથે લેવાનું શા માટે કહ્યું હશે, ચાંદાએ પ્રવાસમાં રસગુલ્લાને સાથે કે આપણો મિત્ર છે એ, કારણ કે રસગુલ્લાને પોતાની જાતે રાજા માનતો હતો, તેથી અને એ આપણો મિત્ર છે અને મિત્રને મૂકીને આપણે એકલા ફરવા જવાય નહીં, ભલે પોતાની જાતને રાજા માનતો હોય। રસ્તામાં કઈ કઈ જગ્યાએ શું શું ના ખાઈ શકાય, રસ્તામાં ચીકુ સુરતની દારી સિંહ વગેરે ના ખાઈ શકાયું, રસગુલ્લા શા માટે ફરવા નહીં જતા હોય, રસગુલ્લાને પેટમાં ઠંડક હોવાથી બહાર હોવા જતા નહીં, અને પોતાની જાતે તેઓ રાજા માનતા હતા, રાજા માટે તો પાલખી બાલખી જોઈએ તો જ એ ફરવા આવે। વાંચવાની મજા પડી નહીં, હવે તે મુજબ અભિનય કરો। તમે કુટ કબીલાના મહારાજા છો, તમે રસગુલ્લાના મુખિયા છો, તમે ચાંદો સાવ અભિનય કરવાનો તમારે ઘરે। નવમો પ્રશ્ન,
जुत कार्य जुतमा बेस हो कल्पना करो ने कहो पशी शू थे। तो अँ एक उदाहरण आपेलू से विद्यार्थियों ने एक बे उदाहरण आपके चांदो बाड़कनी चोपड़ी में फरवा गयो पशी आखी चोपड़ी बधा पाना सफेद थी गया। पहला वाक्य बारा राजा खिस्सा में कागल हूड़ी लैने दरिया में नहावा गया। पशी शू थे होड़ी लैने दरिया में नहावा जाए तो बारा राजा ने होड़ी थी ओड़ी थी कागर थी कागर में पलड़ी गई बगड़ी गई। ईंडा भेगा रसगुल्ला सेवा मुक्या तो ईंडा भेगा रसगुल्ला सेवा मुके तो ईंडा सेवाई जाए कारण कि मरघी ना ईंडा था रसगुल्ला तो खावानी वस्तु हो सेवाय नहीं रसगुल्ला ने मरघी नीचे पड़ा ने एवं पड़ू ईंडा भेगू। प्रवासी कुट कबीला में रही पड़ा पशी शू थू ज्या सुधी ईंडा सेवा नहीं त्या सुधी एमने राह जोवानी रही। पशी ए समझाई सके कि आ ईंडा नहीं पण रसगुल्ला से। पांचमू रिंस कामरेज ना प्राणी संग्रह में पहुंचू हे पशी त्या गमी गयू अने त्याज रोकाई गयू। हवे आगळ जोईए दसमो प्रश्न लंबकपुरी राजा अमलसाडना चीकू एटले अमलसाडी चीकू एम वलसाडनू होय ए वलसाडी तो भरूचनू होय ए भरूची अमदावादनू होय ए अमदावादी जामनगरनू होय ए जामनगरी कच्छनू होए कच्छी बंगारनू होए बंगारी जेव स्थानू नाम एवं वस्तु ना पड़े सुरती एटले सूरतनू होए खंभाती एटले खंभातनू होए एने खंभाती कहवाय डांगी एटले डांगनू होए पंजाबी एटले पंजाबनू होए ए राजस्थान राजस्थान नु होए ए। अग्यारमो प्रश्न जोईए नीचेना शब्दोना अर्थ तमारी मातृभाषा में लखो। जो तमे गुजराती हो तो शब्दनो अर्थ हिंदी में लखो अने शब्दनो अर्थ हिंदी में लखवानो पशी के शब्द ने उदाहरण मुजब दीर्घ ई लगाड़ी नवो शब्द बनाओ। शिक्षक की मदद थी के नवा शब्दों अर्थ शोधी लखो। तो अँ शब्द गुलाब हिंदी में गुलाब हिंदी में अर्थ गुलाब तो गुलाब ने गुलाबी गुलाबी एक कलर नु नाम छे। गुलाब नु गुलाबी जे कलर गुलाबी कलर हो ने गुलाब जो कलर है ने गुलाबी। प्रवास यात्रा यात्रा एटले प्रवास करवा जो तो अँ यात्री प्रवास तो प्रवास पण थाय प्रवासी पण थाय यात्री यात्री एटले यात्रा करना प्रवासे जनार व्यक्ति थई गयो। पेलो एक स्थान गरीब गरीब तो गरीब गरीब है तो गरीबी जो गरीबी में जी रहे हैं उसे गरीबी कहते हैं। बहुत गरीब जिसके पास पैसे नहीं और इसमें जीवन जी रहे थे गरीबी ऐसी हालत को गरीबी है उसी नौ गरीबी यानी कायम सदा
कायम का कायम ऐसा नहीं रहता, कायम कायमी कायमी ने जो हमेशा नंबर हो जो नौकरी करता हो कायमी कहवाय, दररोज जाए ने कायमी कहवाय, कायमी हमेश माटे। दोस्त दोस्त तो यहाँ दोस्ती दोस्ती ती तो दोस्त के बीच जो होती है इसे दोस्ती कहते हैं, मित्रता। सवा सुबह प्रभात सवारी सवार जो सुबह होता है इसे सवार कहते हैं, और सवारी जो घोड़े पर होती है से सवारी ले घोड़ा पर स्थिति सवारी ने सवारी। तो मित्रों 11 प्रश्न सुधी रखिए, 18 सुधी बाकी नो आगे ना भाग में जो शुरू तो आप बजे तमारे माइनोट मो लखी देवानो तैयार कर देवानो। अस्तु।